हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि। तो आज हमारे सामने दोनों गाड़ी खड़ी हुई हैं, बोलेरो पिकअप 1.3 FV और CVC। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई दोनों में अंतर बताइए, क्या अंतर है FV और CVC में, और कितना प्राइस डिफरेंस है, और कौन सी लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसके अंतर बताएंगे, क्या दोनों में अंतर है और कितना प्राइस डिफरेंस है इनमें, और कितनी 2021 में इनकी ऑनरोड प्राइस है, और क्या क्या फीचर्स का अंतर है, और कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप इसकी EMI यानी किस्त के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो मैंने बना दिया है, तो चेक कर सकते हैं, या आई बटन पर आपको मिल जाएगा, तो देख सकते हैं किस्त पर आपको वीडियो मिल जाएगा, और डाउन पेमेंट भी बताया। तो ये लेफ्ट वाली है 1.3 FV, और ये राइट वाली है 1.3 CVC। ये CVC है और ये FV है। तो इनकी सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं, तो ये है FV 1.3। तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ रही है 2021 में 9,26,000 रुपये, यानी 26-25 के करीब आपको मिल जाएगी ऑन रोड। और अब बात करते हैं 1.3 CVC के बारे में। तो ये है CVC, तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ रही है 8,92,000 रुपये, यानी 34,000 रुपये का अंतर है दोनों में। इसमें कार्गो बॉडी नहीं आती है, उसमें कार्गो बॉडी मिल जाती है, तो इसमें दोनों में 34,000 का अंतर है। ये तो इसका पहला डिफरेंस हो गया जो कि इसकी प्राइस में है। अब बात करते हैं इसके इंजन में। तो दोनों में आपको BS6 इंजन मिलता है 2523 CC M2 DICR, जो पावर जनरेट करता है 56 किलोवाट, और टॉर्क जनरेट करता है 200 न्यूटन मीटर का। तो इंजन में आपको कुछ भी फर्क नहीं मिलेगा, दोनों का माइलेज बराबर है। कंपनी इसका माइलेज क्लेम करती है 13 से 14, और अगर आप इसमें माल लोड करते हैं तो आपको 12, 13, 11 ऐसा मिलता है माइलेज। तो इंजन में कुछ भी फ़र्क नहीं है, दोनों का सेम इंजन मिलता है। अगर इसके फ्रंट प्रोफाइल लुक की बात करते हैं, तो ये है दोनों गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल लुक। ये FV है और ये CVC है। तो दोनों में कोई भी डिफरेंस समझ में नहीं आएगा आपको, ना ही दोनों में कोई डिफरेंस दिया गया है। फ्रंट से महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, क्लियर हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं दोनों में सेम डिज़ाइन के, दो रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं बम्पर पर, और फॉग लैंप लगाने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो फ्रंट से कुछ भी अंतर नहीं है, ना ही ग्रिल में है, तो दोनों सेम लगती हैं गाड़ी, दो वाइपर और दो वॉशर। तो फ्रंट से इसके कुछ भी अंतर नहीं है। तो अब चलते हैं साइड में, साइड में क्या अंतर है इसके। तो ये है CVC का साइड लुक। डोर पर आपको स्टिकर मिल जाता है 1.3 का, और उसके पास आपको बोलेरो पिकअप CVC का स्टिकर और एक इंडिकेटर दिया गया है। और इस साइड भी आपको डोर पर स्टिकर मिलता है और बोलेरो पिकअप FV का। तो सिर्फ स्टिकर का अंतर है, इसमें FV लिखा है और उसमें CVC है, बाकी आपको ब्लैक में ORVM, और यहाँ पर भी आपको ब्लैक में ORVM मिल जाते हैं, साइड इंडिकेटर, डोर के स्टिकर दोनों सेम आते हैं, और बाकी बॉनेट वगैरह सब कुछ लंबाई सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है साइड से, सिर्फ स्टिकर का था, इसमें CVC लिखा है, उसमें FV लिखा है। ये है चेचिस। तो मेन अंतर है जो यही है, CVC में आपको चेचिस मिलती है, ये चेचिस है, और जो इसकी FV है तो उसमें आपको कार्गो बॉडी मिल जाती है। और अगर इसकी चेचिस की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों की चेचिस की लंबाई सेम मिलती है, कुछ भी अंतर नहीं मिलता है। तो ये फ्यूल टैंक है, दोनों में फ्यूल टैंक भी 57 लीटर का मिलता है, स्पेयर व्हील, और दोनों में सस्पेंशन भी सेम मिलते हैं। तो ये है FV। अगर इसकी कार्गो बॉडी की बात करें तो इसकी जो लंबाई मिलती है 8 फिट 4 इंच, और जो इसकी चौड़ाई मिलती है 5 फिट 5 इंच। तो इसमें भी उसी हिसाब से आप बनवा सकते हैं, दोनों में सेम मिलती है लंबाई चेचिस की इसलिए, और दोनों में टायर साइज भी सेम मिलते हैं R15 के, दोनों में रेडियल टायर मिलते हैं R15 के। तो टायर में भी कुछ भी चेंजिंग नहीं है, और फ्रंट में डिस और रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं। तो यह स्पेयर व्हील में एक चेंज मिलता है, इसमें चेन सिस्टम मिलता है, लेकिन इसमें चेन सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एंगल वगैरह लगी हुई है, इसमें चेन सिस्टम मिल जाता है, इसमें एंगल नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको टेल लैंप वगैरह मिल जाते हैं, और दोनों में पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं। और अगर अंदर की बात करें तो ये डोर का लुक,
तो अंदर से भी कुछ भी चेंजिंग नहीं है, सेम लगती हैं दोनों गाड़ी, अंदर से भी सीट भी आपको सेम मिलती हैं। तो ये है CVC, तो ये है पूरी CVC का अंदर का लुक। बाकी आपको सारे फीचर्स जो इसमें मिलते हैं CVC में, वही आपको FB में मिलते हैं। तो चलिए अब आपको FB दिखाते हैं। तो ये है FB, तो इसके डोर पर कोई भी चेंजिंग नहीं मिलेगी आपको, और ना ही इसके केबिन में मिलेगी। बाकी सीट वही है, वही स्टीयरिंग, वही डैशबोर्ड, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी आपको चेंज नहीं मिलेगा CVC से। CVC और FB दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है अंदर से, दोनों में सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलते हैं, और दोनों में पावर स्टीयरिंग का भी ऑप्शन है। अगर आप पावर स्टीयरिंग वाली लेना चाहते हैं तो वह भी ले सकते हैं, ऑप्शन मिल जाता है। अब बात करते हैं कि आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, FV या CVC। अगर आपको टैंकर बनवाना है, या नीचे से लग्जरी बॉडी बनवाना है, या कुछ और बनवाना है, तो आपके लिए CVC बेस्ट रहेगी। और अगर आपका काम छोटा है, यानी कि आपको बॉडी बनवानी नहीं है, तो आपके लिए FV बेस्ट रहेगी। ऐसा नहीं है कि उसमें लग्जरी बॉडी नहीं बनती है, लेकिन उसमें भी बन जाती है, लेकिन आपको अगर नीचे से बनवानी है तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा के आप नीचे से बनवा सकते हैं CVC में, जबकि उसमें कार्गो बॉडी फिक्स आती है FV में, तो उसी के ऊपर बनती है। और दोनों की लंबाई सेम है, दोनों में रेडिकल टायर सेम आते हैं, वजन के लिए बहुत बढ़िया है, 3.5 टन तक माल लोड ले जा सकते हैं आराम से। दोनों में पेलोड कैपेसिटी भी सेम मिलती है, तो गाड़ी दोनों सेम है, इंजन सेम है, लंबाई हर सब सेम है, कुछ भी ऐसा अंतर नहीं है। और इसमें अगर आप CVC लेते हैं तो आपको चेचिस मिलती है, तो इसमें आप थोड़ी बॉडी भी बढ़वा सकते हैं अपने हिसाब से, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन इसमें जो अपनी कार्गो बॉडी है ये फिक्स आती है। तो अगर आपको कुछ टैंकर वगैरह कुछ भी बनवाना है तो आपके लिए CVC बेस्ट रहेगी, या आपको लग्जरी बॉडी ही बनवाना है तो आपके लिए CVC बेस्ट रहेगी। यानी कि दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, ना ही इंजन, ना टायर, ना बॉडी, सिर्फ कार्गो बॉडी का अंतर है कि उस FV में कार्गो बॉडी मिल जाती है और CVC में कार्गो बॉडी नहीं मिलती है, जो अपने हिसाब से आप बनवा सकते हैं जो आपको बनवाना है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। पेलोड कैपेसिटी सेम है, सेम वजन ले जा सकती हैं, और सेम माइलेज मिलता है दोनों का। तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों ही बेस्ट हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय।